हेलो किड्स, आई एम राखी और इस सेशन के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगी जो पेज नंबर 53 पे है, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फॉर द सिंबल एच डी एन टी टैबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फॉर्म इन ईच ऑफ देम। तो ये जो मैं 3 सिंबल्स दिए गए हैं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जिनके सिंबल्स हैं एच डी एन टी, इनमें जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, हमें वो बताने हैं आपको कितने कितने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एच की, जिसको हम प्रोटियम भी कहते हैं, हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटियम। ओके, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एच वन एंड वन। देखिए ये जो मेरा हाइड्रोजन है, ये मेरा एक सिंबल है हाइड्रोजन का, इसके सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे के साइड में रिप्रेजेंट होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर जिसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास नंबर को। तो दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इस केस के अंदर हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक मास नंबर क्या है? 1। तो जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हो गया ये बात क्लियर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है इस वाले केस में, हाइड्रोजन के केस में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है। ठीक है, तो जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इस केस में प्रोटॉन है 1, इलेक्ट्रॉन है 1, न्यूट्रॉन है 0। बात करते हैं सेकंड केस की, डी। डी को हम क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम कहेंगे। ड्यूटेरियम क्या है? ये एक आइसोटोप है। देखिए आइसोटोप का क्या मतलब होता है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का ही एटम। ठीक है, सो एटम ऑफ सेम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम ये तीनों के तीनों आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर जो है वो सबके सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। तो ड्यूटेरियम को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम किस तरह से लिखेंगे? एच वन एंड टू। कहीं पर भी इस तरह का कोई आपको सिंबल दिख जाए इट मीन्स इट इज ड्यूटेरियम। तो एटॉमिक नंबर क्या है इसके अंदर? एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक मास नंबर जो हमने सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है वो है हमारा एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं एटॉमिक नंबर के, वो कितने हैं? 1 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होते हैं। तो एक तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। बात करते हैं हम न्यूट्रॉन के केस की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस केस के अंदर एटॉमिक मास कितना है? इस केस में एटॉमिक मास 2 है, प्रोटॉन्स 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्यूटेरियम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि 1 है। अब बात करते हैं थर्ड आइसोटोप की जो कि है ट्रिटियम। ट्रिटियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? एच वन एंड थ्री। तो एटॉमिक मास कितना हो गया? एटॉमिक मास इज इक्वल टू 3 एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 1, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल्स टू 1। बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एटॉमिक मास कितना है 3 है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 तो 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन का जो आंसर मैंने बताया है वो अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो देन प्लीज डू टेल योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, देन मिलो, एंड दिस इज मी राखी सेइंग यू ऑल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।